आज हम आपको इडली मंचूरियन बनाना सिखाएंगे। तो देखिए, ये मैंने कुछ इडली की मंचूरियन तैयार करके रखी है और यह बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी होती है। तो कल मैंने नाश्ते में इडलियाँ बनाई थी, तो अब मैं इन्हें फ्रिज से निकालती हूँ। और अक्सर होता यह है कि जब फ्रिज में हम इडली रख देते हैं बची हुई, तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। तो मंचूरियन बनाते समय हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं एक एक करके इन्हें निकालती हूँ। निकालते समय थोड़ी हार्ड लग रही हैं। इडली जो है वह भाप में बनने के कारण ज़्यादा पौष्टिक रेसिपी है, लेकिन कभी कभी अगर हम इनकी मंचूरियन भी बना दें तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट रहेगी। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका प्रोसेस कैसे तैयार करते हैं। तो मैं अब इन इडलियों को थोड़ा थोड़ा काट रही हूँ। आप जैसा शेप चाहें वैसा काट सकते हैं। तो मैंने इन्हें थोड़ा पतला पतला काटा है, तो जैसे पोटैटो चिप्स काटते हैं वैसे ही आप काट सकते हैं। तो थोड़ी सी मोटी भी रहेंगी तो कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा से जैसा शेप चाहें वैसा काट सकते हैं। तो देखिए, मैंने इन्हें काट लिया है और एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर डाला है। आप चाहें तो सूजी भी डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किया है वह है कॉर्न फ्लोर। तो अब जो है इस कॉर्न फ्लोर में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी या फिर लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने केवल थोड़ा सा नमक डाला है। हल्की सी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। तो बच्चे खाएंगे इस मंचूरियन को, इस वजह से ये ज़्यादा तीखा ना हो जाए तो मैंने बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। जब यह अच्छी तरह से मिल जाए तो एक एक करके हम इसमें कटे हुए इडली के पीसेस डालेंगे। तो देखिए, इडली मंचूरियन एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, बच्चे अक्सर इसे बहुत पसंद करते हैं। और थोड़ा सा आप इसे जो है बनाते समय थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी, लेकिन ये जो है बहुत अच्छी बनती हैं। थोड़ा सा हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि कॉर्न फ्लोर उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। मैंने तेल गरम करके रख लिया था। अब मैं एक एक पीस इसमें डालती हूँ। डालते समय हमें अक्सर लगता है कि यह सूखा हुआ जो कॉर्न फ्लोर है तेल में मिल जाएगा। मिल तो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। भाप के पके भोजन में इडली जो है वह सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव फूड होता है। इसे लो कैलोरी फूड भी कहते हैं। इसमें पौष्टिक तत्व जो हैं वह सुरक्षित रहते हैं, इसलिए लोग जो हैं आजकल इडली ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं।
तो कभी कभार जो है हम अगर इन्हें इस तरह से इडली मंचूरियन तैयार करके खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। आप इसे चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज जो है इडली मंचूरियन बनाने के लिए इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालकर इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। इडली जो है वह दिल के लिए भी बहुत अच्छा भोजन है, तो जो लोग जिन्हें थोड़ी सी जो है हेल्थ इश्यूज़ जिन्हें रहते हैं उन्हें अक्सर डॉक्टर्स बताते हैं कि इडली खाइए जो भाप का बना हुआ है, यानी कि स्टीम्ड फूड। तो अक्सर होता यह है कि इडली जब हम बनाते हैं तो वो बच भी जाती हैं, तो अच्छा है कि हम इन्हें जो है फ्रिज में रख दें, इन्हें ना फेंक कर फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज जो है मैं आपको जिस तरह की रेसिपी मैंने दिखाई है वह बहुत ही स्वादिष्ट आपको लगेगी, इसे बच्चे बूढ़े बड़े ही स्वाद से खाएंगे। तो देखिए अब मैं इन्हें धीरे धीरे तल रही हूँ और तलते समय ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाती हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे हम इसे तलेंगे। मैं एक दूसरे बर्तन में अब धीरे से इन्हें निकाल दूंगी। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, जब भी घर पर इडली बच जाए इन्हें जो है आप ना फेंक कर इसका इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे निकाल दिया है एक पैन में और हम थोड़ा सा जो है कॉर्नफ्लोर ऑयल का रंग देखिए थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर में हमने इसे प्रिपेयर किया है, इसलिए जो है इससे कुछ नहीं होता। तो देख सकते हैं आप ये इडली जो है किस तरह से फ्राई करके रखी है। अब जो है हम इडली मंचूरियन तैयार करने के लिए इसी तेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसे दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल डालकर, हल्का सा, बहुत ज़्यादा हमें तेल नहीं डालना है। अब मैं आँच थोड़ी सी धीमी करके इन इडलियों को जो है इसमें डालती हूँ, लेकिन डालने से पहले जो है मैंने कुछ चिलीज जो निकाल कर रखे थे उन्हें मैं एक एक चीरा लगा कर रख दिया है, ताकि मैंने बड़े बड़े इसलिए काटे हैं ताकि बच्चों के मुंह में ये ना आए, जिससे वह उन्हें बहुत ही तीखा लगेगा। तो मैंने बड़े बड़े पीसेस काटे हैं और इन्हें तेल में पहले फ्राई करेंगे। और इस तेल में जो है पहले हम मुझे सरसों डालना चाहिए था, लेकिन राई जिसे कहते हैं, तो राई के दाने भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो राई के दाने आप सभी जानते हैं कि ये केवल स्वाद के लिए ही हमें किसी रेसिपी में नहीं डालनी चाहिए, ये केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि ये अपचन की समस्या या भूख भी बढ़ाते हैं, अपचन की समस्या को कम करते हैं, ठीक है, और ये वजन कम करने में भी बहुत लाभदायक होते हैं। आजकल देखिए जैसे कि थोड़ी सर्दी चल रही है तो हम हर रेसिपी में सरसों के दाने डाल सकते हैं। तो अब जो है मैंने चिली हल्की सी जैसे ही चटक जाए और राई के दाने चटक जाने पर अब जो है मैं स्लाइस काट रही हूँ प्याज के, और हम हल्का सा इसमें प्याज भी भून सकते हैं। और प्याज जो है वह आप सभी जानते होंगे कि दिल की बीमारी या डायबिटीज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पेट में जो है दर्द हो तो प्याज खाना चाहिए ऐसा बताया जाता है, और खांसी वगैरह के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो प्याज जो है हमें ज़रूर खाना चाहिए, चाहे इसे भून कर खाएं या कच्चा खाएं। अब देखिए मैं इन प्याज के स्लाइसेस को इस तेल में हल्का सा डाल देती हूँ।
अब इन्हें हल्का हल्का भूंजेंगे। हल्का सा भुन जाने पर जो है हम इसमें इडलीस डालेंगे। मंचूरी बनाने के लिए प्याज मिर्च के बगैर स्वाद नहीं आता है, इसलिए हल्का सा इसे भून लेते हैं। दो तीन मिनट तक हम इसे भूनते रहेंगे। और प्याज को बहुत अच्छी तरह भूनने के लिए इसमें जो है थोड़ा सा हम नमक भी डाल सकते हैं, तो प्याज और अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। तो धीरे धीरे यह प्याज भून रहा है। बच्चों को यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर बना के खिलाइएगा। स्कूल जाते समय कभी कभी हमें सुबह समझ में नहीं आता कि हम बच्चों को नाश्ते में क्या दें, तो हम जो हैं इसी तरह का कुछ बनाकर उन्हें दे सकते हैं। रोज़ चावल या रोटी या पराठे खाकर भी बच्चे बोर हो जाते हैं, तो हम इस तरह से मंचूरी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने हाँ इसमें हल्का सा जो है नमक छिड़क दिया है। हल्का सा जैसे ही भुन जाए इसमें हम भुनी हुई इडलियाँ क्रिस्पी इडलीज को हम इसमें डाल देंगे। देखिए अक्सर मंचूरियन बनाने के लिए हमें सोया सॉस या फिर टोमेटो सॉस चाहिए होता है, क्योंकि वह बहुत ही स्वाद बढ़ाता है, तो हर मंचूरी में डाला जाता है सोया सॉस हो या टोमेटो सॉस हो तो या चिली सॉस हो। तो मैं केवल सोया सॉस और टोमेटो सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा सोया सॉस डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा नमक होता है, और हल्का सा टोमेटो सॉस डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे डाल सकते हैं। फिर से हम इसे हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही भून जाए इनमें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये क्रिस्पी इडलीज को हम इसमें एक एक करके डालेंगे। इसे भी हमें मिलाना होगा बहुत अच्छी तरह से। मिल जाने पर ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो देखिए हमारी मंचूरी बिल्कुल तैयार ही होने वाली है, बस हल्का सा और मिक्स करना है। मशरूम मंचूरी या फिर गोभी मंचूरी या फिर हम कह सकते हैं स्वीट कॉर्न मंचूरी जो है वह हमेशा घर पर अवेलेबल नहीं होती है, तो मशरूम गोभी या फिर स्वीट कॉर्न अगर अवेलेबल ना हो घर पर, तो हम जो हैं इडली मंचूरियन ही बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए हमारी मशरूम मंचूरी तैयार है। आप इसमें ऊपर से कुछ हरी धनिया के पत्ते डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसमें नहीं डाले हैं। अगर घर पर ना हो तो ना डालें, कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हमारी मशरूम मंचूरी पूरी तरह से तैयार है। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ खाइए।
देखिए हमारी इडली मंचूरियन तैयार है और आप इसे बनाकर ज़रूर खाइएगा और बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे।